नमस्कार दोस्तों, मैं हूं इस समय दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल 3 पे और इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अगर आप पहली बार विदेश यात्रा करने जा रहे हैं तो आपको कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है, क्या क्या गाइडलाइंस फॉलो करनी है एक स्मूथ और हैसल फ्री ट्रैवल एक्सपीरियंस के लिए। इस वीडियो में दोस्तों मैं आप लोगों को बताऊँगा इस एयरपोर्ट की एंट्री से लेकर दूसरे कंट्री के एयरपोर्ट के एग्जिट तक वो सारे स्टेप्स डिटेल में। तो हो सकता है वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए, लेकिन मैं आप लोगों को प्रॉमिस करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों के मन में कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं कि विदेश यात्रा करने के लिए आपको बेसिक कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले आपको चाहिए होता है आपका पासपोर्ट, दूसरा आपको ऑब्वियसली एयर टिकट चाहिए होता है जिस भी कंट्री में आप विजिट कर रहे हो, और तीसरी जो चीज़ चाहिए होती है वो होता है जिस भी कंट्री में आप विजिट कर रहे हैं उस कंट्री का वीज़ा। दोस्तों एयरपोर्ट पहुंचने के बाद जो सबसे पहली चीज़ करनी होती है वो करना होता है आपको टर्मिनल में एंट्री। यहाँ पे आप एयरपोर्ट पे देख सकते हैं बहुत सारे गेट्स हैं, काफ़ी सारे गेट्स हैं एंट्री के लिए, आप चाहे तो किसी भी गेट से एंट्री कर सकते हैं। एंट्री गेट पे जो है CISF स्टाफ आपका टिकट चेक करता है और साथ में आपको अपना पासपोर्ट दिखाना होता है। टिकट की चाहे तो आप सॉफ्ट कॉपी या हार्ड कॉपी दोनों दिखा सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं अंदर एयरपोर्ट के अंदर, एयरपोर्ट टर्मिनल में एंट्री करते हैं और उसके बाद जो है आगे के स्टेप्स मैं आप लोगों को बताता हूँ। दोस्तों एयरपोर्ट के अंदर जो है हम लोगों ने एंट्री कर ली है। टर्मिनल में एंट्री में आप लोगों को एक चीज़ सजेस्ट करूंगा, एक टिप देता हूं। आप लोगों ने देखा होगा कि जहां से हमने स्टार्ट किया था वहां से वहां के गेट्स पे जो है कितना ज़्यादा रश था। मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप लोग वहाँ से एंट्री मत कीजिए, बिकॉज लंबी लाइन में लगना पड़ सकता है। आप कीजिए कि सबसे जो आखिरी गेट है 8 नंबर गेट पर आइए चल के और यहाँ से एंट्री लीजिए। यहाँ पर बिल्कुल भी भीड़ नहीं था, हार्डली हम लोग के आगे से भी एक पैसेंजर था, तो हम लोग को फटाफट विद इन मिनट्स जो है हम लोग एंट्री कर गए थे। आप लोग वहाँ पे एक दो तीन जो शुरू के जो गेट्स है वहाँ से एंट्री करेंगे तो आप लोगों को थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है, बिकॉज वहाँ पे लंबी लाइंस होती है जनरली। आप देख सकते हैं टर्मिनल जो है कितना बड़ा है। जो अगला स्टेप होता है वो होता है आपको चेक इन काउंटर पर जाना। चेक इन काउंटर पर जो है आपको अपना चेक इन बैगेज जो है ड्रॉप करना होता है और साथ ही साथ वहीं से आपको जो है बोर्डिंग पास मिलता है। तो अभी चलेंगे चेक इन काउंटर्स पर और चल के जो हम लोग अपना बोर्डिंग पास ले लेंगे। एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि यहाँ पे जो है आपको कुछ बेसिक सुविधाएं मिल जाएंगी यहीं पर टर्मिनल के अंदर ही। यहाँ पे ATMs हो गए हैं, साथ ही साथ कुछ कैफ़ेज़ वगैरह, कुछ खाने पीने का मन हो, प्लस मनी एक्सचेंज भी है यहाँ पे। अगर आप चाहे तो जिस भी कंट्री पे जा रहे हो वहाँ की करेंसी आपको एक्सचेंज करवानी है तो यहाँ पर जो मनी एक्सचेंज काउंटर्स है यहाँ से करवा सकते हैं। ऑल्दो मैं आप लोगों को रेकमेंड नहीं करूँगा यहाँ पे मनी एक्सचेंज करवाने के लिए, बिकॉज यहाँ पे जो है रेट मिलता है बहुत ज़्यादा महंगा होता है बाहर से। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि जब भी आप किसी भी कंट्री में विजिट कर रहे हैं बाहर से ही जो भी आपको करेंसी वगैरह एक्सचेंज करवाना है वो बाहर से ही करवा लीजिए, ताकि यहाँ पर आके आप कुछ पैसे सेव कर सकें। यहाँ पर अगर आप करेंगे चेंज या फिर दूसरी कंट्री जहाँ पर भी जा रहे हैं वहाँ पर अपना करेंसी एक्सचेंज करवाएंगे तो हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा पैसे पे करने पड़े। दोस्तों अब जो है अपना चेक इन बैगेज हम लोग चलेंगे चेक इन काउंटर पे ड्रॉप करने के लिए और साथ ही साथ वहाँ से बोर्डिंग पास कलेक्ट करेंगे। पीछे आप देख सकते हैं काफ़ी सारे चेक इन काउंटर्स हैं, ये अल्फाबेटिकली चेक इन काउंटर्स जो है लिस्टेड है। ये जितने भी चेक इन काउंटर्स हैं अलग अलग एयरलाइन के अलग अलग चेक इन काउंटर्स होते हैं। तो सबसे पहली चीज़ आपको करनी है कि आपको अपनी टिकट देखनी है और देखना है कि कौन से एयरलाइन से जो है आपकी टिकट है। उसके बाद जो है यहाँ पर बड़ी बड़ी स्क्रीन्स लगी होती है, वहाँ पर जो है आपके फ़्लाइट की इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले होती है कि कौन से चेक इन काउंटर से आप जो है अपना बोर्डिंग पास ले सकते हैं। आप चाहे तो फ्लाइट की इन्फॉर्मेशन जो है स्क्रीन्स पे दे सकते हैं या फिर यहाँ पे जगह जगह पे जो है इन्फॉर्मेशन डेस्क भी लगे हुए हैं, जाके आप वहाँ से भी पूछ सकते हैं, इन्फॉर्मेशन डेस्क पे पता कर सकते हैं। उसके अलावा भी कोई भी कन्फ्यूजन हो यहाँ पे आपके जो मतलब एयर ट्रैवल से रिलेटेड कोई भी डाउट हो आप चाहे तो इन्फॉर्मेशन डेस्क से पूछ सकते हैं। अब चलते हैं चेक इन काउंटर्स की तरफ। हमारी जो फ़्लाइट है वो है एयर इंडिया की फ़्लाइट दिल्ली टू फुकेट, तो हम लोग चलेंगे चेक इन काउंटर्स पर। हम लोग जाएंगे एयर इंडिया का जो भी चेक इन काउंटर होगा वहाँ पे जाएंगे और वहाँ चल के जो है अपना चेक इन बैगेज ड्रॉप करेंगे और फिर वहाँ से बोर्डिंग पास लेंगे। दोस्तों चेक इन हम लोग का हो गया, आप देख सकते हैं चेक इन बैगेज जो है मैंने ड्रॉप कर दिया और बोर्डिंग पास भी जो है हम लोग को मिल गया है। चेक इन में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था बिकॉज लंबी लाइन थी बहुत ज़्यादा। मैं आप लोगों को रेकमेंड करूँगा स्पेशली अगर इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हैं तो कम से कम 4 घंटे पहले आइए, बिकॉज चेक इन में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। उसके बाद हम लोग को जाना है सिक्योरिटी चेक, फिर इमिग्रेशन होगा
तो उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो मैं आप लोगों को रेकमेंड करूँगा कि कम से कम 4 घंटे पहले जरूर एयरपोर्ट आप लोग पहुँच जाए। कि अगर आप लोगों ने डोमेस्टिक ट्रैवल किया होगा तो पता ही होगा, चेक इन काउंटर पर जो है आपको अपनी टिकट दिखानी होती है और साथ में आपको अपना पासपोर्ट शो करना पड़ता है। अपना चेक इन बैगेज वहाँ पर ड्रॉप करते हैं और वहीं से आपको बोर्डिंग पास मिलता है और साथ ही साथ वहीं पर जो है आप अपना जो भी मतलब सीट, स्पेशल सीट्स, विंडो सीट वगैरह चाहिए तो आप जो है वहाँ पर रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। बैगेज रूल से रिलेटेड दोस्तों मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है। अगर आप पहली बार ट्रैवल करने जा रहे हैं और आपके मन में कन्फ्यूजन है कि चेक इन और हैंड बैगेज में आप क्या क्या चीज़ें नहीं ले जा सकते, तो उस वीडियो को जरूर चेकआउट कीजिएगा। मैं लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। मैंने काफ़ी डिटेल में समझाया हुआ है चेक इन बैगेज, हैंड बैगेज के बारे में और क्या क्या चीज़ें जो है आप कैरी कर सकते हैं, क्या क्या नहीं कर सकते। अब इसके बाद दोस्तों जो अगला स्टेप होगा वो होगा सिक्योरिटी चेक का, और सिक्योरिटी चेक के बाद जो है हम लोग जाएंगे इमिग्रेशन में। सिक्योरिटी चेक और इमिग्रेशन में अनफॉर्चुनेटली कैमरा अलाउड नहीं है तो मैं आप लोगों को दिखा नहीं पाऊंगा, लेकिन इमिग्रेशन के बाद डायरेक्टली मैं मिलता हूँ आप लोगों को और बताऊंगा एग्जैक्टली कि क्या क्या होता है सिक्योरिटी चेक और स्पेशली इमिग्रेशन में। चलिए चलते हैं। दोस्तों इमिग्रेशन और सिक्योरिटी चेक भी हमारा हो गया है, टोटल करीब 45 मिनट का टाइम लगा। इमिग्रेशन में तो ज़्यादा टाइम नहीं लगा, 10-15 मिनट में इमिग्रेशन हो गया था, बट सिक्योरिटी चेक में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग गया था, करीब आधा घंटा के आसपास टाइम लग गया था। तो जैसा कि मैंने बताया था कि टाइम लेके चलिए एटलीस्ट 4 घंटा पहले पहुँचे, बिकॉज काफ़ी टाइम लग जाता है इन सब चीज़ों में। तो अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि बेसिकली इमिग्रेशन में होता क्या है। इमिग्रेशन में बेसिकली आपका बोर्डिंग पास और पासपोर्ट जो है इमिग्रेशन ऑफिसर चेक करते हैं, और अगर आपने वीज़ा पहले से ले रखा है, किसी ऐसी कंट्री में जा रहे हैं जहाँ पे वीज़ा लेना पहला मैंडेटरी है, तो वीज़ा आपको वहाँ पे शो करना पड़ता है। और उसके बाद जो है इमिग्रेशन में हो सकता है कि आपसे कुछ सवाल पूछे, जनरली मतलब हम लोगों से कुछ सवाल पूछा नहीं, बट जनरली कुछ जनरल से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आप कितनी दिन के लिए जा रहे हैं, जहाँ भी जा रहे हैं किस रीज़न से, पर्पस ऑफ द विजिट, मतलब किस रीज़न से जा रहे हैं, कब तक वापस आएंगे। हो सकता है आपसे मतलब रिटर्न एयर टिकट्स की कॉपी या फिर होटल के वाउचर्स भी आपसे मांगे, बट जनरली मतलब इतना कुछ होता नहीं है, बट जस्ट इन केस ये जानना जरूरी है कि हो सकता है आपको, आप अगर जब इमिग्रेशन में जाए तो हो सकता है कि कुछ सवाल आपसे इमिग्रेशन ऑफिसर पूछे, बट उससे घबराने की जरूरत नहीं है, उसको कोई दिक्कत होती नहीं है। इमिग्रेशन के बाद जो होता है सिक्योरिटी चेक होता है। अगर आप लोगों ने पहले डोमेस्टिक कहीं पर फ्लाई किया होगा आपने, तो आपको पता ही है कि सिक्योरिटी चेक में क्या होता है। सेम चीज़ यहाँ पर भी होता है, आपका जो हैंड बैगेज होता है उसका स्कैनिंग होता है, प्लस इलेक्ट्रॉनिक्स जितने भी होते हैं उसको निकाल के आपको स्कैनिंग करवानी होती है। तो सिक्योरिटी चेक के बाद दोस्तों आप पहुंचते हैं, आप देख सकते हैं ये जो एरिया है अभी जो हम जाएंगे यहाँ से, ये है ड्यूटी फ्री वाला एरिया। अगर आपके फ्लाइट के बोर्डिंग में अभी भी टाइम बचा हुआ है तो आप चाहे तो यहाँ पे शॉपिंग कर सकते हैं, ड्यूटी फ्री से लिकर वगैरह जो है आप अपने लिए लेके जा सकते हैं जहाँ भी जा रहे हैं। इस लिकर्स के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ मिलेंगी, कॉस्मेटिक्स, चॉकलेट्स वगैरह, ऑलमोस्ट हर चीज़ आपको यहाँ पर शॉपिंग के लिए मिल जाएगी। तो अगर आपके पास टाइम बचा हुआ है थोड़ा बहुत तो आप चाहे तो यहाँ पर शॉपिंग कर सकते हैं। अब इसके बाद दोस्तों हम लोग चलेंगे लाउंज में सीधे और आगे की डिटेल मैं आप लोगों को देता हूँ। तो दोस्तों देख सकते हैं आप ये ड्यूटी फ्री वाला एरिया जो है कितना बड़ा है। यहाँ पे शॉपिंग के लिए आपको ऑलमोस्ट हर चीज मिल जाएगी, काफी बड़ा, ऑलमोस्ट एक मॉल की तरह है। साथ ही साथ यहाँ पे एक फूड कोर्ट भी है, अगर आप कुछ खाना पीना चाहें तो फूड कोर्ट में जाके कुछ खा पी सकते हैं। बट मैं आप लोगों को खाना पीना जो है फूड कोर्ट में रेकमेंड नहीं करूंगा, वो इसलिए क्योंकि एयरपोर्ट पे जो है स्पेशली खाना जो होता है यहाँ पे बहुत ज़्यादा महंगा होता है, बाहर से ऑलमोस्ट 3-4 times महंगा पड़ेगा आप लोगों को फूड कोर्ट में। एक चीज़ आप कर सकते हैं वो ये कि अगर आपके पास कोई क्रेडिट या डेबिट कार्ड है जिसपे एयरपोर्ट के लाउंज का एक्सेस है, तो आप सिर्फ 2 रुपये पे करके जो है लाउंज की जो है सर्विसेज आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इंटरनेशनल फ्लाई कर रहे हैं तो बुफे के साथ साथ जो बुफे होता है लाउंज का, वो ऑलमोस्ट 3-4 star होटल के बुफे की तरह होता है, और साथ ही साथ जो है अनलिमिटेड ड्रिंक्स को भी आप इंजॉय कर सकते हैं। अभी जिस हम लोग बैठे थे करीब 1 घंटा हमने लाउंज में स्पेंड किया। तो अगर आपके पास डेबिट या क्रेडिट कार्ड ऐसा कोई है, अगर नहीं भी है तो मैं आप लोगों को रेकमेंड करूँगा कि आप एक ऐसा कोई क्रेडिट या डेबिट कार्ड बनवा लीजिए जिस पर भी लाउंज का एक्सेस हो। जब भी आप इंटरनेशनल ट्रैवल करें तो लाउंज की जो सर्विसेज है उसका जरूर आनंद उठाइए, यू विल नॉट बी डिसअपॉइंटेड। तो दोस्तों अगला स्टेप है फ्लाइट बोर्ड करने का, अभी चलेंगे और फ्लाइट हम लोग बोर्ड करेंगे। फ्लाइट बोर्ड करने से पहले आप जो बोर्डिंग पास होता है आपका, उसमें आप चेक कर सकते हैं कि आपका बोर्डिंग गेट कौन सा है। जो भी बोर्डिंग गेट मेंशन होगा आपके बोर्डिंग पास पे, उस बोर्डिंग गेट पे जाके आप अपना फ्लाइट बोर्ड कर सकते हैं। अब चलते हैं बोर्डिंग गेट पे और आगे की इन्फॉर्मेशन आप लोगों को आगे देंगे। बोर्डिंग गेट पे एक बार फिर से आपका पासपोर्ट और बोर्डिंग पास चेक किया जाता है।
उसके बाद मिलती है आपको एयरक्राफ्ट के अंदर एंट्री। 7000 फीट रहे एंड विल बी कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ अप्रोक्सीमेटली 3250 किलोमीटर इन अबाउट 4 आवर्स। रात के करीब 1:30 बज चुकी है और फ्लाइट जो हमारी टेक ऑफ कर चुकी है, यहाँ से करीब 4 घंटे का टाइम लगना चाहिए हम लोगों को फुकत पहुँचने में। और फुकत पहुँच के वहाँ पर कौन कौन सी चीज़ों को फॉलो करना है, कौन कौन से गाइडलाइंस फॉलो करने हैं, क्या क्या चीज़ आपको करना है, और वहाँ पर चल के आप लोगों को बताऊँगा। मिलते हैं सुबह करीब 7 बजे के आसपास लोकल टाइम फुकत में। अपनी सीट भी रखें, सीट बेल्ट बांध लें, चेचे में बंद करते हैं, विंडो शेड्स खुले रखें। दोस्तों फुकेत में, फुकेत के करीब 7 बज चुके हैं और फ्लाइट्स हम लोगों के लैंड कर चुकी है। इनफैक्ट फ्लाइट से हम लोग बाहर भी निकल गए। इसके बाद जो पहला स्टेप हम लोगों का होगा वो होगा इमिग्रेशन का। आगे चल के देखते हैं कि क्या कुछ है, जो भी होता है आप लोगों को डिटेल में बताएंगे। दोस्तों सुबह के करीब 7:45 बज चुके हैं। ये जो एरिया आप देख रहे हैं ये है बेसिकली फुकेत इंटरनेशनल एयरपोर्ट का ये बैगेज क्लेम वाला एरिया। बेसिकली आप जब भी दूसरे कंट्री के एयरपोर्ट पे जब लैंड करेंगे तो सबसे पहली चीज़ जो करनी होती है वो होता है इमिग्रेशन। इमिग्रेशन सिमिलर होता है जैसे कि हमने दिल्ली एयरपोर्ट पर जैसे इमिग्रेशन किया, काइंड ऑफ सेम थिंग होता है यहाँ पर भी। यहाँ पर भी आपको अपना पासपोर्ट दिखाना पड़ता है, बोर्डिंग पास दिखाना पड़ता है और थोड़ा बहुत फिंगरप्रिंट स्कैनिंग वगैरह होती है। अगर चाहे तो इमिग्रेशन ऑफिसर आपसे कुछ सवाल भी पूछ सकता है। ऑल्दो यहाँ पे थाईलैंड में हमसे कोई सवाल भी नहीं पूछा, बट ऐसा आपसे सवाल पूछ सकते हैं कि भाई आपका पर्पज़ ऑफ विज़िट क्या है, कितने दिन के लिए विज़िट कर सकते हैं। हो सकता है आपसे ये भी मांगे कि आपका जो है होटल के वाउचर्स दिखाइए, रिटर्न फ्लाइट कॉन्फर्मेशन ऑफ रिटर्न फ्लाइट टिकट्स, तो ये सारी चीज़ें जो है आपको शो करनी पड़ेगी, प्रेजेंट करनी पड़ेगी। और एक बार सब कुछ हो गया तो फिर आपका जो है वीज़ा या फिर स्टैम्प जो है लग जाता है और उसके बाद जो है आप उस कंट्री में एंट्री कर सकते हैं। और एक बार इमिग्रेशन हो जाए उसके बाद जो है आप अपना बैगेज जो है क्या बोलते हैं बैगेज बेल्ट से अपना बैगेज जो है आप कलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद जो है आप उस कंट्री में एंटर कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ उस वीडियो से वैल्यू मिली होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो मुझे बेझिझक कमेंट सेक्शन में जाके सवाल पूछेगा, मैं आप लोगों को इंस्टेंटली रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। थाईलैंड में जैसा कि मैंने बोला कि हम लोग का 5 नाइट स्टे करने का प्लान है, फुकेत में ही स्टे करेंगे, किसी और सिटी को विज़िट नहीं करेंगे। विच मीन्स आने वाले टाइम में फुकेत की काफ़ी सारी इन्फॉर्मेटिव और एक्साइटिंग वीडियोज़ लेकर आऊँगा। तो चैनल अभी तक आपने मेरा सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलता हूँ दोस्तों आप लोगों से बहुत ही जल्दी थाईलैंड की एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।